हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज हम आपको किंग बर्गर वालों के पास लेके आए हैं। इनका बर्गर बहुत ही फेमस है अमृतसर में, और इनका जो लोकेशन है वो है अजीत नगर खंडे वाला चौक। तो हमारे एक भैया हैं, 8 साल से ये यहाँ पर कार्ड लगा रहे हैं और काफ़ी फेमस हैं अपने बर्गर और फास्ट फूड काउंटर के लिए। तो चलिए गाइस, करते हैं भैया से बात, थोड़ी सी लोकेशन शेयर करता हूँ आपसे। ये जो आप चौक देख रहे हैं, ये अजीत नगर का फेमस चौक है, और पास में ही बिल्कुल खंडे वाला चौक भी है। तो खंडे वाला चौक से बिल्कुल आप सीधा आएंगे तो भैया की कॉर्नर पर कार्ट लगी हुई है, किसी से भी पूछ सकते हैं किंग बर्गर वाले। तो चलिए गाइस, करते हैं भैया से बात। तो हमारे साथ हैं भोला भैया। तो नमस्ते भैया। नमस्ते जी। तो भैया कितने साल हो गए आपको बर्गर का काम करते हैं? 7-8 साल हो गया जी। अच्छा, यहीं पर लगाते हैं अपनी कार्ट। हाँ जी। और उसके अलावा क्या क्या बनाते हो आप? नूडल, बर्गर, स्प्रिंग रोल, मंचूरियन, चांपा, मोमोज। तो भैया बर्गर तो आपका फेमस है, इसके अलावा क्या क्या बनाते हो आप? चांपा बनाते हैं, बर्गर मंचूरियन हुआ, चाउमीन बनाते हो, चाउमीन, बर्गर रोल बनाते हो, स्प्रिंग रोल, मोमोज, और अपने वेज चाप भी आपसे मिलती है। तो लोकेशन क्या पड़ती है आपकी, एड्रेस क्या है ये? अजीत नगर खंडे वाला चौक। तो भैया कितने बजे आ जाते हो? 12 बजे। 12 बजे आए तो कितने में? 10-11 बजे। 10-11 बजे। और संडे को? संडे को ही टाइम है। आते हो संडे को? आते छुट्टी कोई नहीं करते आप? कोई नहीं। तो ठीक है बोला भैया, दिखा रहे हैं हमें क्या क्या आपने रखा हुआ है, ठीक है। और हमारे लिए आप बर्गर भी तैयार कीजिए, फिर हम खा के अपने दोस्तों को बताते हैं। तो बोला भैया करने लगे हमारे लिए बर्गर तैयार। तो मैं देख रहा हूँ जी, आपके जो बर्गर बन रहा है बहुत ही सॉफ्ट लग रहे हैं। हाँ, स्पेशल है जी। अच्छा, ये स्पेशल बनवाते हो? कहाँ से बनवाते हो? रामबाग। अच्छा, बेकरी से तैयार करवाते हो? हाँ जी। बहुत ही बढ़िया। और साथ में इसमें क्या क्या डलेगा? ये साथ में देख रहा हूँ आपकी टिक्की है। हाँ, टिक्की है, डालते हैं टमाटर, डालते हैं खीरा, डालते हैं प्याज, डालते हैं। अच्छा, ये सब इसमें डलने वाला है। और मैं पनीर देख रहा हूँ, पनीर भी रखा हुआ है, चीज़ भी रखा हुआ है। पनीर है। और ये आपकी जो वेजिटेबल कटी हुई है, एक टमाटर है, एक खीरा है, और प्याज डलेगा। हाँ। और थोड़ी सी चाउमीन भी डलेगी हमारी। भी डलेगी, ठीक है। तो टिक्की के बारे में सबसे पहले तो हमारे व्यूवर्स को बताइए कैसे तैयार करते हो? जीरा, जवाइन, लाल मिर्चा। अच्छा। हाँ, आलू। आलू होता है और? हाँ, प्याज। और प्याज होता है। हाँ। इसको फ्राई करते हो आप? फ्राई करके रिफाइंड में। और बोला भैया ये स्पेशल बर्गर के लिए टिक्की होती है ना? हाँ, स्पेशल। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो गाइस यहाँ पर खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही है मुझे। तो ठीक है बोला भैया, हमारे लिए बर्गर, बोले भैया बर्गर काट लिया हमने। हाँ जी, काट लिया। और तवा देख रहा हूँ, तवा काफी बड़े साइज में है ना? हाँ, बड़ा साइज है। और जो बर्गर का जो टेस्टी बन आता है वो तवे के ऊपर ही आता है, फ्राई करके नहीं आता ना? नहीं नहीं, तवे के ऊपर ही आएगा। हाँ। ये क्या डल गया? तेल डाल दिए। अच्छा, थोड़ा सा रिफाइंड डाल लिया। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। हाँ जी, इसको अब थोड़ा सा सेक लेंगे ना? सेक लेंगे। हाँ, ठीक है। सो गाइस, काफी फेमस है किंग बर्गर वाले अजीत नगर में खंडे वाला चौक में, पास में ही है। तो भैया काफ़ी वैरायटी बनाते हैं फास्ट फूड में। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल ब्राउन सा हो गया है हमारा बंद। तो इसके बाद क्या होगा जी? इसके बाद टमाटर, खीरा, पनीर, टिक्की डालेंगे। इसको स्टफ करोगे सारा, डालेंगे इसमें? हाँ, मतलब हाँ, ठीक है। इसको कितनी देर तक गर्म करना होता है? हमने बस पाँच मिनट। हाँ, ब्राउन हो जाए, थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। ओके। हाँ। ओके। तो भैया जहाँ आपको 8 साल हो गए, इससे पहले कहाँ पर काम करते थे? पहले खंडे वाले बगल में। अच्छा, वहाँ पर ही करते थे? हाँ जी, 20 साल हो गए हमको। 20 साल यही काम कर रहे हो? हाँ, काफ़ी एक्सपीरियंस है आपको। बहुत ही बढ़िया, वाकई में ब्राउन शेड हो गई हमारी बंद की। इसके बाद क्या होगा जी? इसके बाद टिक्कियाँ लगेगा। हाँ जी, टिक्की लगेगी हमारी। सबसे पहले टिक्की भी गर्म करेंगे? हाँ। क्या बात है जी, बहुत ही बढ़िया, खुशबू आनी शुरू होगी जी टिक्की की और बंद की। बहुत ही बढ़िया, बंद काफ़ी सॉफ्ट हो गया भैया, है ना? हाँ, टिक्कियाँ गर्म हो गया, टमाटर डालेंगे, प्याज डालेंगे। प्याज आ गया, टमाटर आ गया, अब पनीर डालेंगे और पनीर का स्लाइस आ गया। हाँ। तो भैया ये वेजिटेबल आ गई, इसके बाद क्या डलेगा? इसी में मसाला डालेंगे। मसाला आ गया जी हमारा, ये कौन सा मसाला है? चाट मसाला। अरे अरे, इससे तो चटपटा सा स्वाद हो जाएगा। हाँ। और इसके बाद टिक्की डलेगा। टिक्की हमारी आ गई, इसके बाद क्या डलेगा? चाउमीन डलेगा। चाउमीन मीठी सॉस डलेगा, टमाटो सॉस आ गई हमारी। इसके बाद व्हाइट सॉस डलेगा। व्हाइट सॉस यानी कि मेयोनीज। हाँ, मेयोनीज से। बहुत ही बढ़िया। इसके बाद चिल्ली सॉस डलेगा, थोड़ी चिल्ली आ गई हमारी।
तो बोला भैया हो गया रेडी हमारा, रेडी हो गया बर्गर, इसको बंद करने वाले हैं। हाँ। क्या बात है जी, अब रैप करेंगे भैया? हाँ रैप करेंगे, सिंपल बंद। बाकी में दोस्तों जो टिक्की भैया ने बनाई उसकी बहुत ही फ्रेगनेस आई है, जब भैया ने इसको थोड़ा सा तवे के ऊपर सेका था। बोला भैया हो गया रेडी हमारा? ओके हो गया, बर्गर तैयार हो गया, बर्गर तैयार हो गया जी हमारा। और इसकी क्या कीमत रखी है आपने? 30 रुपये, ओनली 30 रुपये, 30 रुपये। तो गाइस हो गया जी हमारा किंग बर्गर वालों का बर्गर तैयार, तो चलिए करते हैं टेस्ट, फिर बताते हैं आपको कैसा भैया ने बर्गर हमारे लिए तैयार किया है। तो गाइस कर दिया भैया ने बर्गर हमारे लिए तैयार, तो देखिए भैया ने काफ़ी अच्छी तरह इसको रैप किया है, और साथ में इन्होंने एक तो हमें दी है अपने और जो है दो सॉस दी है, एक तो मीठी दी है एक चिल्ली वाली, तो बिल्कुल गर्म है, मैं रैप उतार ही देता हूँ यहाँ, ये देखिए। तो चलिए गाइस बाइट करते हैं। वाकई में दोस्तों काफ़ी सॉफ्ट है अंदर से, और बिल्कुल जो इनकी जो टिक्की है भैया की उसका काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ रहा है, और बहुत ही बढ़िया है, और 30 रुपये इसकी कीमत है। सो गाइस अपना प्यार आप मुझे ऐसे ही देते रहिए, और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।